राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 34वीं वार्षिक बैठक 7 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग के मंत्री शामिल हुए। मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष एवं जल संसाधन रामकिशोर नानोकावरे इस बैठक में NIC बालाघाट में उपस्थित रहे। बैठक में मध्य प्रदेश राज्य से जो नदियां पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में जा रही है, उन पड़ोसी राज्यों से समन्वय स्थापित कर फसलों की सिंचाई के लिए अधिक से अधिक पानी के उपयोग पर चर्चा की गई। मंत्री कावरे ने बैठक में कहा कि पड़ोसी राज्यों से समन्वय बनाकर रबी की फसलों के लिए पानी का आवंटन किया जाएगा। केन बेतवा लिंक, पार्वती कालीसिंध, कुनो इंटरलिंक में प्रदेश और देश के हित में समन्वय स्थापित करके पानी का समुचित उपयोग कर देश का विकास करेंगे। जो मध्य प्रदेश के लिए आपसे चर्चा करके हमने कहा कि इसको पुनरुच्चित करके अगर भेजेंगे तो इस पर हम विचार करेंगे, अपनी सहमति देंगे, लेकिन अभी तक के इस पर आप हमारे स्टेट के, हमारे जो स्टेट है राजस्थान के, उन्होंने इस पर पुनर्विचार नहीं किया है। इसलिए अगर इस पर पुनर्विचार करेंगे तो इस पर आगे हम प्रयास करेंगे और हम चाहते हैं कि इसमें हमारा जल शक्ति मंत्रालय भी इसमें इंटरेस्ट है, दोनों राज्यों के हाथ में बैठ अधिकारियों के हाथ में बैठकर। बस स्टैंड बालाघाट में पिछले कुछ माह से यहां पर बसों को कहीं पर भी खड़े कर देने से व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी है, वहीं यातायात में भी समस्याएं खड़ी हो रही है। इसी को लेकर आज बस एसोसिएशन की ओर से यातायात थाने पहुंचकर शिकायत की गई और अराजक तरीके से खड़ी बसों पर कार्यवाही की मांग की गई, जिसे लेकर बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने बताया कि जब से बसें शुरू हुई है ज़िले में कुछ बस मालिकों के द्वारा समय से पहले ही बस स्टैंड में जगह जगह बसें खड़े कर दी जाती है, जिससे यहां से समय पर निकलने वाले बसों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बसों को अपने निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ही बस स्टैंड पहुंचना चाहिए। समस्या पहले हमने अपनी बताया कि समस्या है कि जो बस स्टैंड में हर आधा घंटे में एक गाड़ी लगे हर रोड की जाने वाली, जैसे लांजी है, भैयर है, वाराणसी है, लालबर्रा है, सब अपनी गाड़ी आधा घंटा पहले लगा, एक से एक जो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे उनको हटा ले ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। लॉन्ग लीड की गाड़ी उनको ही बता दिया गया है कि आप आधा घंटा पहले बस स्टैंड में। अच्छा, जैसे काफ़ी देखा गया ये ऑटो और जो अन्य वाहन हैं उनके कारण भी बस स्टैंड में काफ़ी समस्या जाती है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? देखिए, हमने बताया यहाँ बुंदेला साहब हैं और राजावत साहब हैं ट्रैफिक में कि ऑटो वाले हैं प्लस कोई सिंगाड़े वाले हैं, कोई हाथ ठेले वाले हैं, ये घुसते हैं तो बोले अब उनको बुलाते हैं, मीटिंग करके उनको भी बोले अल्टीमेटम नहीं, यानी अब व्यवस्थाएं बेहतर व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्था बनना चाहिए भैया, ट्रैफिक बढ़ रहा है। यातायात विभाग कैसे कॉपरेट करेंगे आप, वो लोग कैसे आपको कॉपरेट करेंगे? नहीं, उन्होंने बोले हैं कि अगर आप जो गाड़ी 5-6 घंटा खड़ी रहेगी तो बकायदा हम उसका चालान करेंगे, तो हम उसमें सहमत हैं, क्या व्यवस्था वो बना रहे हैं, अच्छी बात है, व्यवस्था बनना चाहिए। इधर इस मामले पर यातायात प्रभारी बुंदेला ने कहा कि बस एसोसिएशन की ओर से जो सुझाव मिला है उस पर हर हाल में अमल होगा। कई बसें समय से पहले बस स्टैंड में आकर खड़ी हो जाती है, जिससे यात्रियों के साथ ही अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। इसे लेकर जल्द ही उचित कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। समाधान ये निकला है कि जो बसें लंबे रूट की खड़ी रहती थी पूरे दिन, तो इन लोगों की लगातार शिकायत आती थी कि साहब जिस बस स्टैंड की ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती है और जगह नहीं बचती है अन्य गाड़ियों को खड़े होने के लिए, तो उस संबंध में ये डिसाइड किया है कि कोई भी बस चाहे लंबे रूट की हो या छोटे रूट की होगी वो आधे घंटे पहले बस स्टैंड पर खड़ी होगी, और सभी ने सर्वसम्मति से डिसीजन लिया है कि हम अपनी बसों को आधे घंटे से ज़्यादा खड़ी नहीं होने देंगे और जो बसें हैं हम स्वयं उनको रवाना कर दिया करेंगे। नियमों का पालन नहीं करता, कैसे चालान कितना चालान होगा या जुर्माना कितना लगेगा? जुर्माना अलग अलग धाराओं में रहता है जी, 500 का है, 1000 का है, जो जो नियम का पालन नहीं करेंगे उस हिसाब से चालानी कार्रवाई होगी। कालीपुतली चौक बालाघाट में नवनिर्मित चौपाटी के भीतर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू है। अब तक यहां पर व्यवस्थापन के तहत 14 दुकानों का आवंटन हो चुका है और 10 दुकानें निविदा के माध्यम से दी जा रही है। इसमें से 9 दुकानें पहले ही दी जा चुकी है, वही एक दुकान SC ST के लिए आरक्षित है जो अब तक किसी को नहीं दी गई है। बताया गया कि एक दुकान की कीमत करीब 7 लाख रुपये है, जिसमें से 1 लाख रुपये जमा कराया गया है।
जल्द ही एग्रीमेंट की कार्यवाही प्रारंभ होगी, इसके बाद ही दुकानों को चौपाटी में सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। कालीपुत्री स्थित चौपाटी में कुल 24 दुकानें निकली है, जिसमें 14 दुकानें व्यवस्थापन के अंतर्गत हैं और निविदा के माध्यम से 10 दुकानें हैं, जिसमें निविदा के माध्यम से अपनी 9 दुकानें जा चुकी है, एक दुकान बची है जो STSC के लिए, और 14 दुकानें व्यवस्थापन के अंतर्गत में लगभग 7 लाख रुपए की लागत से दिया है, जिसमें 1 लाख रुपए उनको जमा करना है, जिसमें पूरी 14 दुकानें उनके आवंटन कर दी गई है और 10 दुकानों 9 दुकानें आवंटित हुई है, जिसमें एक STSC की अभी बाकी है। ये क्या रेट से जाएंगे? ये भी वही रेट रहेंगे, जो 10 दुकानें उनका जो रेट है वही दुकान पर रहेंगी, भाई ये आरक्षित है। ये तो ये कब से पूरे स्टार्ट हो जाएगी चौपाटी और ये लोग वहाँ पर अपनी दुकान लगा के व्यवसाय चालू कर पाएंगे? उनका एग्रीमेंट करवाएंगे, एग्रीमेंट के बाद उनके हैंड ओवर कर सकते हैं। किसानों के राष्ट्रव्यापी बंद को किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी का समर्थन। किसानों के समर्थन में मंगलवार को सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस सेवा दल ने भी दिया समर्थन। किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद के समर्थन में अब विपक्षी दल भी सामने आ गए हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान करीब एक पखवाड़े से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत के विफल होने के बीच किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और इसका खुलकर समर्थन अब कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने कर दिया है। बालाघाट में जिला कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस की ओर से किसानों के समर्थन में बंद बुलाया गया है। इस संबंध में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम पंजवा और किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंशु अवस्थी ने बालाघाट न्यूज से चर्चा करते हुए अपने बयानों में किसानों के राष्ट्रव्यापी बंद को सफल बनाने के लिए आह्वान किया है। देश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा अपने व्यापारी साथियों, दोस्तों अडानी और अंबानी, मेरा सीधा सीधा आरोप है, अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के नाम से 3 ऐसे बिल पेश किए गए जिससे किसानों की लुटिया डूबने वाली है और सीधा फायदा होने वाला है अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को। इसी बिल के विरोध में पूरे देश में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और उन किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में कल कांग्रेस द्वारा किसानों के हित में उनके समर्थन में कल पूरा देश बंद होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम में कल बालाघाट जिला भी, संपूर्ण बालाघाट जिले के बंद करने का हम लोगों ने आह्वान किया हुआ है। कल कांग्रेस के समस्त साथी, जाबा साथी कल सड़कों पे उतरकर लोगों से बंद का आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे और इस काले कानून के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। बालाघाट में जितने भी कांग्रेस के विंग्स हैं, ब्लॉक कांग्रेस के साथ किसान कांग्रेस और बाकी सभी विंग्स इसमें सक्रिय रहेंगे। कल पूरा बालाघाट जिला उन किसान भाइयों के समर्थन में बंद हो रहा है जो हमारे हक के लिए वहाँ पे दिल्ली में भूखे प्यासे रह के लड़ रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग ये काम करने वाले हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी एक व्यक्तिगत किसी का वो बंद नहीं है। ये तो एक तानाशाही के खिलाफ बंद है, वो ताना चाहिए जो बिना किसी के समर्थन के, बिना किसी से पूछे हुए कानून पास कर दिया गया, उसके खिलाफ बंद है। ना किसी किसान की उसमें सहमति ली गई, ना किसी से पूछा गया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं दिल्ली पंजाब में ज़्यादातर किसान दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, तो क्या कल के आंदोलन में बालाघाट में भी किसान नजर आएंगे? बिल्कुल किसान नजर आएंगे बालाघाट में, बालाघाट में हर आदमी किसान है। किसानों के देशव्यापी बंद को बालाघाट में OBC महासभा, कांग्रेस सेवा दल ने भी समर्थन दिया है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में आयोजित इस बंद को लेकर OBC महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने अंबेडकर चौक में 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन करने और उसके बाद कांग्रेस के बंद में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने जिले के किसानों और युवाओं से भी इस बंद को स्वस्फूर्त सहयोग प्रदान करने की अपील की है। बालाघाट जिले के OBC महासभा के समस्त पदाधिकारी एवं अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा किसानों के समर्थन में अंबेडकर चौक बालाघाट के में सुबह 11 बजे 2 घंटे का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है। उसके पश्चात महामहिम राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया है। साथ ही जो
कांग्रेस पार्टी द्वारा बंद का आह्वान किया गया है बालाघाट जिले में, उसमें पूर्ण समर्थन ओबीसी महासभा का है एवं कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष होने के नाते भी मैं पूर्ण समर्थन कल के बंद को देता हूँ। किसानों के हित में आप सभी अपनी राजनीतिक सोच को छोड़कर किसानों के लिए सामने आए और कल बालाघाट जिला मुख्यालय में होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने की मांग ओबीसी महासभा द्वारा की जाती है। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी। प्रबुद्ध तथागम फाउंडेशन की टीम आज पहुंची है सोनगुड्डा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम फुर्रे झोड़ी कटंग टोला में, जहां पर आदिवासी बैगा परिवारों को आज कंबल वितरण के साथ बच्चों को स्कूली बैग का वितरण किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ समस्याएं हैं इस गांव की और किस तरह से यहां के लोग जीवन यापन कर रहे हैं घने और पर्वतीय इलाकों के बीच में। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम सोमवार को आदिवासी बैगा बाहुल्य ग्राम सोनगुड्डा के कुर्रेझोड़ी कटंग टोला पहुंची। यहां पर फाउंडेशन की ओर से सचिव महेंद्र मेसराम, सहयोगी रफी अंसारी, अभिनव सिंह मारे, हितेन चौहान, चितरंजन नेरकर और लातरी पंचायत के प्रधान राम सिंह मरावी, सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच तातू सिंह ध्रुवे, नवी पंचायत के सरपंच पति कुंवर सिंह ध्रुवे की ओर से बैगा परिवारों को 80 नग कंबल का वितरण किया गया। इसके साथ ही बच्चों को 20 नग स्कूली बैग, हर्बल टूथपेस्ट, बिस्किट और आयुर्वेद मेडिसिन भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर सौरभ सेवलानी ने आयुर्वेद चिकित्सक रमेश सेवलानी की ओर से पलक सेवलानी के सहयोग से करीब 50 महिला पुरुषों एवं बच्चों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं प्रदान की। आज राम कटंगकोला में कैंप लगाया गया जिसमें चर्म विकार वाले, बुखार और बहुत सारे पेशेंट थे जिसमें सबसे ज़्यादा कमजोरी वाले पेशेंट मिले। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरिद्रता के कारण यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है इनके पास अच्छी, इसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ हैं इनमें जिसमें चर्म विकार और कमजोरी बहुत ज़्यादा है। आपके ओर से क्या मदद की गई है? मैंने यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ लोगों को दिया, परीक्षण किया, स्वास्थ्य देखा उनका, जिसमें टॉनिक, बुखार की दवाइयाँ, गिलोय घनसत्व और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ दी। बैगा बाहुल्य ग्राम कुर्रेझोड़ी के बैगाओं के द्वारा फाउंडेशन से मांग की जा रही थी कि ठंड को देखते हुए उनके गाँव में भी कम्बलों का वितरण किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए शिविर का आयोजन कर यहां पर कार्यक्रम के तहत आदिवासी बैगा परिवारों को कंबल व अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुएं प्रदान कर राहत पहुंचाई गई। इस कार्यक्रम से बैगा परिवारों ने राहत महसूस की और खुशी का इजहार किया। सर, यहां पे तो बहुत अच्छा लगा आपका जो कंबल वितरण करे, बच्चों को बैग दिए और यहाँ के सब ग्रामीण जनताओं को बहुत अच्छा लगा कि आपके द्वारा जो सामान वितरण किए गए बहुत खुश हो गए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ये बैग मिले बच्चन को, कंपास मिले, कदर मिले, पढ़ के सारा चाहिए, कबड्डी खो भी था, वहाँ के डॉक्टर साहब भी आए थे, महिला भी कबड्डी खो खेला, बहुत वितरण कर बहुत बहुत बढ़िया अच्छी, बच्चन भी खुश और हम भी बहुत खुश। आपको बता दें कि प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के संरक्षक मुकेश मेसराम, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जिले के बैगा बाहुल्य आदिवासी गांवों में पहुंचकर टीम के सदस्यों द्वारा उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया जाता है। वर्तमान में ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े और कंबल आदि का वितरण कार्यक्रम संस्था की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें नगर के अन्य सामाजिक लोग भी अपनी ओर से संस्था को आवश्यक वस्तुएं समय समय पर प्रदान करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में रेडीमेड व्यवसायी पुखराज वैद्य के द्वारा बच्चों के लिए कपड़े प्रदान किए गए थे। शिविर को सफल बनाने में रूपलाल पंच, मुन्नीबाई पंच का विशेष सहयोग रहा।
बैगा बाहुल्य ग्राम पंचायत लात्री के अंतर्गत आने वाले कुर्रेझोड़ी कटंगटोला में बालाघाट न्यूज़ की टीम ने लोगों की समस्याओं को भी जानने का प्रयास किया, साथ ही उनकी रोजी रोटी और शासन प्रशासन से अपेक्षाकृत कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। यहां पर अधिकांश बैगा परिवारों के पास खेती की जमीन नहीं है, उन्हें वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टे भी आवंटित नहीं किए गए हैं, जिससे बैगा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान राशि का लाभ नहीं मिल रहा है। एक भी है, कितने लोगों के पास भी नहीं, एक भी लोगों के पास नहीं है, पुराना ही है। ऐसे हमारे तो कम से कम 25-30 साल कब्जा है जी, हमें राजस्व में कमाई करते हैं, तो पटवारी को बोलते हैं तो अभी कमाई करो, ऐसे ही तुमको कोई कुदाई नहीं गा, कमाई करते रहो, ऐसे ही बोलता है। लेकिन पट्टे नहीं दे रहे हैं, तो पट्टे नहीं देंगे तो कभी भी छीन सकते हैं ना वो तो आप लोगों की जमीन को, तो योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता होगा, प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री 2-2 हज़ार रुपए मिलता है, नहीं, नहीं मिला नहीं। अभी रहा है, फिर पट्टा लगे हम। अच्छा अच्छा, तो हो गया। जमीन का पट्टा मिला है? नहीं नहीं मिला, तो फिर खेती कहाँ करते हो? कब्जा करके, कब्जा करके जमीन का पट्टा मिला है सरकार? जमीन है, जमीन ही है, जमीन ही नहीं है, तो फिर क्या करते हो आप लोग इस जंगल में रहते हो तो? सुपा, कौन से काम करते हो? बना रहा है, सूपा वगैरह बनाते हो? यहाँ पे गांव में रोजगार के साधन है, कुछ काम धंधा चलता है? अच्छा, बहुत कम चलता है, बहुत कम चलता है। अच्छा, अनाज उनाज मिलता है सरकारी अनाज सरकार से? कहाँ से लाते हो? लात्री से। लात्री तो यहाँ से बहुत दूर है, फिर कैसे लाते हो? गाड़ी से। अच्छा अच्छा, बैगा समुदाय के युवाओं ने बताया कि बारिश में यह गांव पूरी तरह से संपर्कहीन हो जाता है। यहां पहुंचने वाले मार्ग का निर्माण ठेकेदार संजय अग्रवाल के द्वारा बीते 3 वर्षों में भी नहीं किया गया है, जिससे उन्हें आवागमन में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ बैगा समुदाय के युवाओं ने यह भी बताया कि गांव में स्टाफ डैम और पेयजल की आपूर्ति के लिए भी कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहां के बेरोजगार बैगा परिवार स्टाफ डैम में मछली पालन करके रोजी रोटी के लिए ना भटक पाए। साथ ही कुछ मोहल्लों में हैंडपंप की ज़रूरत भी यहां के बासिंदों ने बतलाई है। उनका कहना है कि पेयजल के अभाव में टोले मंजरे में निवासरत करीब आधा दर्जन परिवारों को नदी नालों का पानी पीना पड़ रहा है। यहाँ एक स्टाफ डैम चाहिए, जो ये छोटा सा नाला है उसमें पानी रुकने का साधन नहीं बनता गर्मी आता। अच्छा, यहाँ पे पेयजल की क्या स्थिति है? पानी पहुँचता है, स्वच्छ पानी मिलता है लोगों को पीने के लिए? पीने के लिए आने के दो तीन तो हैंडपंप की भी जरूरत है यहाँ। अच्छा, हैंडपंप अभी जो यहाँ से अभी कितने हैंडपंप है गाँव में? गाँव में यहाँ चार हैं। तो चारों में अच्छा पानी निकलता है? हाँ, कुछ अच्छा। लोग ऐसे हैं सर नदी से पानी लेके पीते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो नदी का पानी पीते हैं? तीन घर, चार मकान। अच्छा अच्छा, तो क्या इनके लिए पानी की सुविधा नहीं है क्या गांव में? नहीं, वहाँ हैंडपंप चाहिए सर। अच्छा अच्छा, तो अलग अलग टोले मंजरों में बसा हुआ ये गांव है? हाँ, अलग टोले। सर यहाँ पे 3 साल से रोड के बारे में बात करें अपन जी, तो 3 वर्ष हो गए यहाँ पे। संजय अग्रवाल ठेकेदार है यहाँ रायपुर का, वो सब नाश करके रख दिया है। किस तरह से? ये काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है सर। तो क्या परेशानी जाती है बारिश के दिनों में? क्या दिक्कत है बारिश के दिन में? यही है, चीखल बहुत होता है सर यहाँ पे। अच्छा, कीचड़ होता है। तो इसकी शिकायत कहीं पर किए हो आप लोगों ने? शिकायत सर अभी मैं उनको किया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। आदिवासी बैगाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों के गांवों में कई समस्याएं ऐसी हैं जिनकी वजह से आज भी आदिवासी परिवारों का जीवन मानक स्तर जो है ऊपर नहीं उठ रहा है। यदि प्रमुख समस्याओं की हम बात करें तो इसमें वनाधिकार कानून 2006 के तहत में आज भी ग्राम कुर्रेझोड़ी कटंगटोला के अधिकांश आदिवासी बैगा परिवारों को पट्टे नहीं मिले हैं, इस वजह से वे आज भी कब्जेदार भूमि पर ही खेती करने मजबूर है। इसके अलावा इस गांव में पेयजल की भी प्रमुख समस्या है, साथ में स्टाफ डैम नहीं होने से भी यहाँ के लोगों को रोजगार से जुड़ने में मदद नहीं मिल रही है। कुछ लोगों ने हमें बताया कि यदि गांव में स्टाफ डैम होता तो वे मछली पालन का व्यवसाय भी कर सकते थे, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा ऐसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के बावजूद आदिवासी क्षेत्र के दूरस्थ वन ग्रामों में निवासरत बैगाव परिवारों के बीच में पहुंचकर इन योजनाओं का क्रियान्वयन
आज भी सब्ज बाग बना हुआ है, जिसके चलते आदिवासी परिवारों में अक्सर शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश झलकता है। देखना यह होगा कि आखिरकार शासन प्रशासन अब आदिवासी परिवारों के जीवन मानक स्तर को ऊपर उठाने के लिए इन क्षेत्रों में किस तरह से विकास कार्य कर पाती है और आगे इनके जीवन मानक को ऊपर उठाने के लिए किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाती है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।